ये जो है काम जो भी करवाया हुआ है मेरी बहन का करवाया हुआ है। लड़की पढ़ रही है अभी हाई स्कूल में, इस साल एडमिशन अभी करवाया हमने। हाँ, लड़की की बुआ ने ये इसकी पूरी चाल है। ये बोल रही है कि मैं तो ये बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं एक लड़की को जरूर लेके आऊंगी, और इसी ने ये चाल किया है। पूरा इसका यही धंधा ही है। बिल्कुल, किसी की तो शादी से है, किसी की नहीं, 3-4 लोगों की शादी से है। हाँ, ये लड़की हमारे साथ में थी, हम लोग लखनऊ से वापस लौट रहे थे तो लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैंने सोचा 10 मिनट के लिए मैं बात कर लेती हूँ, मिल लेती हूँ, इसके बाद में भैया मुझे गाड़ी से छुड़वा देंगे। कन्नौज कांड की इन्हीं तस्वीरों में सब कुछ कैद है। पीड़ित लड़की भी मौजूद है, उसकी बुआ भी, और रेप की कोशिश करने वाला आरोपी नवाब सिंह यादव भी। रात के वक्त लड़की पुलिस के साथ जब उस कमरे में पहुंची तो नवाब सिंह और पीड़िता की बुआ वहां मौजूद थे। कन्नौज पुलिस का दावा है कि उसने आरोपी नवाब सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद से ही न जाने कितनी कहानियां सामने आ गई, लेकिन अब खुद पीड़िता के माँ बाप और बुआ सामने आए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सब अलग अलग कहानी बता रहे हैं। पहले पीड़िता के पिता को सुनिए। हमारी बहन जो है लेके गई, और ये जो है काम जो भी करवाया हुआ है मेरी बहन का करवाया हुआ है, ठीक है। और पुलिस जो है हमारी पूरी मदद कर रही है, सीओ साहब हमारे सही हैं और हमें पूरा भरोसा है उनके ऊपर। बेटी ने हम ये बताया कि हमारे साथ गलत हुआ है। हाँ। किसने किया? नवाब सिंह जी। हाँ, आपकी बिटिया? ये लड़की हमारे पास रहती थी, अभी 1.5 महीना हो गए। हाँ। तो इसको हमने बुलाया था अपने पास वहाँ पे। हाँ। और जो है ये आ रही थी, जो हमारी बहन थी ये आ रही थी गाँव। हाँ। तो इन्होंने बोला कि हम गाँव जा रहे हैं, लड़की को भेजो तो भेज दो। हाँ। तो हमने सोचा ठीक है, ये जा रही है तो बहन के ऊपर तो है, हर ही कोई भरोसा कर लेता है, भाई बहन है। हाँ। ठीक है, तो हमने इनको भेज दिया इनके साथ। और यहाँ आने के बाद ये समस्या बन गई। अच्छा। हाँ। ये हुआ कि नौकरी देने के नाम पे बुलाया गया? नौकरी फोकरी सर हमने कभी करवाई नहीं, लड़की पढ़ रही थी अभी। नौकरी वाली बात कहाँ से आ गई? नौकरी वाली कोई बात ही नहीं, लड़की पढ़ रही है अभी हाई स्कूल में, इस साल एडमिशन अभी करवाया हमने। तो और कुछ बताया कि किसी नेता का नाम हम कुछ बताया कि किसी? नहीं, हमें किसी नेता फेता का नाम नहीं बताया, जो भी है। कोई दबाव तो नहीं? नहीं, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं, और जो है वो हमने आपको बता दिया। क्या करते हैं? कन्नौज की पीड़िता के पिता का कैमरे के सामने कहना है कि लड़की की बुआ ने सारा खेल रचा है। वही लड़की को अपने साथ नोएडा से कन्नौज लेकर आई, जिसके बाद ये नौबत आई। लड़की की माँ भी बुआ पर ही इल्जाम लगा रही है। हाँ, लड़की की बुआ ने ये इसकी पूरी चाल है। ये बोल रही है कि मैं तो ये बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं एक लड़की को जरूर लेके आऊंगी, और इसी ने ये चाल किया, पूरा इसका यही धंधा ही है, यही करती है, इसी की कमाई खाती है ये। अच्छा, तो कोई फोन भी आ रहे हैं आपके पास दबाव वबाव के समझौते के? नहीं, अभी कोई दबाव वबाव के मेरे पास कोई फोन नहीं आया, और इनके पास फोन है नहीं उनसे बात समझौते कराने का। वो आपकी बिटिया पढ़ती रहती है? हाँ, लड़की इस साल 10th में गई है, इस साल गाँव में दादी बाबा के पास में पढ़ रही थी। इनके पास कैसे पहुंची? ये दिल्ली से आ रही थी यहाँ गांव के लिए। अच्छा। तो हमने उसको भेज दिया, हमने कि गांव जा रही तो दिव्या को लेकर चली जाए, उसका स्कूल चालू हो गया है। अच्छा। ये हुआ। हाँ, ये कन्नौज में पढ़ती है? नहीं, यहाँ पढ़ती है गांव में, ससुराल में, हमारे रामपुर बिनौरा में रहती है। समझौते के लिए लड़की पे दबाव बनाने के लिए आपकी जो ननद है उनका फोन आया? हाँ, उनका कल परेशान कर रही मुझे कि मेडिकल मत करवाना उसका, जैसा हम बोल रहे वैसा करो, मेरी बात मानो, तुम मीडिया वालों की बात मत मानो, तुम थाने में मत जाना, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, बस खत्म करो। कन्नौज की पीड़िता के माता पिता दोनों ही एक सुर में पीड़िता की बुआ को कसूरवार मान रहे हैं। लेकिन पीड़िता की बुआ, जो नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी के वक्त उसी कमरे में मौजूद थी, वो अलग ही कहानी सुना रही है और नवाब सिंह को फंसाने की बात बता रही है। 10 बज रहे थे उस समय, 11 बजे का टाइम था, मेरी बात हुई थी इनसे, नवाब भैया से, तो मेरे को घर भी जाना था, लेट हो रही थी, ऑटो था नहीं, बोले मैं गाड़ी से भिजवा दूंगा, आप 10 मिनट के लिए आ जाइए, क्योंकि इनकी माताजी एक्सपायर हो गई थी, तो मैं माताजी के ख़त्म होने पे भी नहीं आ पाई थी। और ऐसा नहीं है कि हमारी इनसे पुरानी दुश्मनी है, कोई दुश्मनी हमारी इनसे नहीं है, बाकी हम आज 8-9 सालों से संपर्क में हैं और हमारी बात भी होती है। ये लड़की आप ही के साथ में थी? हाँ, ये लड़की हमारे साथ में थी, हम लोग लखनऊ से वापस लौट रहे थे तो लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैं
मैंने सोचा 10 मिनट के लिए मैं बात कर लेती हूँ, मिल लेती हूँ, इसके बाद में भैया मुझे गाड़ी से छुड़वा देंगे। रिलेशन में क्या लगती है आपकी? हमारी भतीजी है। भतीजी लगती है, तो उसके बाद इसने बाहर जाके फोन उन कैसे कर लिया, ये कैसे हुआ? बाहर जाके फोन कैसे कर लिया मुझे नहीं पता, मैं बैठी हुई थी चेयर पे, मैं बात कर रही थी, उसने बोला कि मुझे मम्मी से बात करनी है, तो मैंने बोला मम्मी से बात करनी है तो कर लो, उसने कैसे 100 नंबर पे फोन किया मैंने सब नहीं, ये बोला कि मेरे साथ में छेड़छाड़ हुई है और मेरा टॉप निकाल दिया था जबरदस्ती, मेरा टॉप निकाल दिया था मेरा, मैं बाथरूम में हाथ पैर धोने के लिए गई थी उसी समय की ये घटना है, बोली मेरा टॉप निकाल दिया है, और तो मैंने बोला कि टॉप निकाल दिया तो कोई बात नहीं, रो मत, अब मम्मी से बात कर लो, तब मैंने उसको फोन दिया था, मुझे नहीं पता कि उसने 100 नंबर पे फोन कैसे किया। तो जो ये नवाब सिंह को फंसाया गया है, बिल्कुल कुछ ही तो, किसी की तो साजिश है, किसी की नहीं, 3-4 लोगों की साजिश है, कुछ पॉलिटिकल जुड़ भी है जी, राजनीतिक सही है, आप ऐसे समझ लीजिए कि सपा वालों के ही कार्य हैं जितने बड़े बड़े लोग हैं, अब आप कुछ समझ सकते हैं कि कन्नौज के अंदर सबसे बड़े लोग कौन है, 2-3 किसी से समय आने पे मैं आप लोगों को नाम बिल्कुल क्लियर करके बता दूंगी। किसी ने आपसे संपर्क किया था क्या? नहीं संपर्क तो नहीं किया था, 4 महीने पहले मेरी बात हुई थी, किससे हुई थी कैसे हुई थी मैं बता दूंगी। नवाब सिंह को कैसे फंसाया जाए? नहीं ऐसा नहीं कि नवाब सिंह को कैसे फंसाया जाए, ऐसा नहीं हुआ था कि कैसे फंसाया जाए। हालांकि इस बीच खबर ये है कि नाबालिग पीड़िता का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया है, 2 डॉक्टरों के पैनल ने मेडिकल किया है, जबकि कन्नौज कांड का आरोपी नवाब सिंह 14 दिन की पुलिस हिरासत में।